दोस्तों, अगर आप भी मोटे लंबे काले बालों का बहुत ज़्यादा जैसे कि आप ख्वाहिश रखते हो और आपके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ही जैसे कि झड़ते हैं, टूटते हैं, बालों की बहुत ज़्यादा झड़ने टूटने से आप परेशान हो रहे हो, बहुत ही पतले हो चुके हैं, झड़ते झड़ते एकदम से ऐसा कि जैसे कि झाड़ू बन चुका हुआ, डेंड्रफ भी काफ़ी हो चुका है जिससे आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। दिन में आप जितनी बार बाल में कंघी करते हो ना, उतनी बार आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फंसते हैं, टूटते हैं, और ऐसे में आपके बाल झड़ते झड़ते एकदम से जैसे कि ख़त्म हो चुके हैं, गंजे आप हो चुके हो। तो इस जैसे कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, बहुत ही मगर अच्छी रेमेडी आज के लिए मैं ले करके जो आई हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो आप इस गंजेपन से भी जैसे कि आप छुटकारा पा सकते हो, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपके बालों की जो समस्या ना एकदम एक झटके में ख़त्म होने वाली है। तो आज मैं जो आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ, कुछ अलग हटके लाई हूँ जो आपके बालों को एकदम से काला, घना, लंबा, मुलायम बनाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसे आप यूज़ करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा लंबा, काला, घना बना सकते हो, बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। तो ऐसे में इस रेमेडी को आपको यूज़ कैसे करना है ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन घंटी जो होता है ना उसे फ्रेंड्स ज़रूर दबा देना, क्योंकि जो भी मैं नोटिफिकेशन आपके लिए जो मैं जैसे कि डालूँ तो वो नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल भी बहुत ही आसान तरीके से पहुँच जाए, क्योंकि जब आप बेल आइकन घंटी को दबाते हो ना तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाती है। तो ऐसे ऐसे जो मैं बहुत ज़्यादा जैसे कि इम्पोर्टेंट वीडियो डालती हूँ ना वो आपके पास जल्दी पहुँचे। तो चलिए आज की रेमेडी मैं बनाना शुरू करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान मेथड से, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा और जीरो कॉस्ट में हमें लगता है कि ये रेमेडी बनकर के रेडी होगी, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें ली है ना वो फ्री की चीज़ें हैं। तो फिर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने लिया है ये पानी, चावल का पानी हमने लिया है, जो चावल आप बनाते हो और इस पानी को रोज़ आप फेंक देते हो, लेकिन इस चीज़ को जो आप फेंकते हो ना ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसे फेंको बिल्कुल भी नहीं, किसी न किसी यूज़ में आप ला लो, इसे आप खा भी सकते हो, ये खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसे चावल में थोड़ा नमक डाल करके इसे खा सकते हो, ये इस तरह से भी बहुत ज़्यादा हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इसे बालों के लिए ही यूज़ करेंगे, जो बालों को बहुत ज़्यादा लंबा, काला, घना बनाता है, बालों में एक अलग सी शाइन लाता है, बहुत ही अच्छा बालों को ग्रोथ करता है, इससे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो फ्रेंड हम लेंगे वो है, आप देख सकते हो, विटामिन ई की कैप्सूल। चूँकि आप जानते हो विटामिन ई की कैप्सूल जो होता है ना ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स। विटामिन ई के कैप्सूल में जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी जैसे कि गुण पाए जाते हैं ना, जो जैसे कि गुण जो ऐसा होता है ना कि हमारे स्किन के साथ साथ ये बालों को भी बहुत ज़्यादा ही केयर करता है, बालों में ये शाइनिंग लाता है, बालों को ग्रोथ करता है और बालों में जो भी हमारी कुछ कुछ कमियां जो होती है ना, ड्राइनेस होती है ना, उसे ये दूर करता है और भी बहुत सारी जैसे कि प्रॉब्लम को ये ख़त्म करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स विटामिन ई की कैप्सूल डालकर हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अगला जो इंग्रेडिएंट्स जो हम डालेंगे ना वो है, देखिए आप देख सकते हो, एलोवेरा जेल। चूँकि एलोवेरा जेल भी जो है ना हमने कोई मार्केट वाली इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, हमने इसे अपने प्लांट से लेकर के उसे यूज़ किया है, चूँकि ये एकदम तरोताज़ा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने घर के प्लांट से ही लेकर के इस जेल को आप बना सकते हो। अगर आपको जेल की जो रेसिपी चाहिए, रेमेडी अगर आपको बनाने का तरीका चाहिए तो मेरी वीडियो पे चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इस जेल को बनाया और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हमारे स्किन से लेकर के अपने हमारे मेरा मतलब कि मेरे स्किन से लेकर के और बालों तक का ये फ़ायदेमंद होता है। तो इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो अगला जो हम इंग्रेडिएंट्स जो लेंगे वो है, देख सकते हो आप शैम्पू लेंगे, क्योंकि आप शैम्पू करना है नहाने से पहले, इसे अपने बालों को धोना है, बालों में लगाना है। तो ये शैम्पू आप तो शैम्पू करते हो, शैम्पू को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू को आप जो डायरेक्ट करते हो ना तो शैम्पू आपके बालों को ड्राई करता है, इसीलिए किसी ना किसी चीज़ में इसे मेल्ट कर करके ना आपको लगाना चाहिए। तो ये डायरेक्ट अगर शैम्पू लगाते हो तो आपके
बाल टूटने झड़ने लगते हैं और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी ना किसी चीज़ में शैम्पू को मेल्ट कर करके ही लगा लो। तो हमने इन सारे चीज़ों में शैम्पू को डाला है और मेल्ट कर लिया, अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया। तो चम्मच की हेल्प से आप फेंट सकते हो या किसी भी चीज़ के हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हो। तो अच्छी तरह से देख सकते हो कि हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के बाद ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी एक रेमेडी बन करके रेडी हो चुका है। यकीन मानिए इस रेमेडी को आपने अगर थोड़े दिन अगर यूज़ कर लिया, महीना में एक महीने तक लगातार आपने यूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। तो फिर अगला जो हम लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है हमने वो है नारियल का तेल। चूँकि आप जानते हो नारियल का तेल एक नेचुरली तेल होता है जो हमारे बालों को स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये नारियल का तेल जो ना बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, हर कोई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसमें खुशबू बदबू कुछ भी नहीं होता है, नेचुरल होता है तो इसे हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरह से ये फेस को भी गोरा करने में काम आता है और बालों को बहुत ज़्यादा लंबा काला घना बनाता है। तो इस तरह से इसे भी डाल करके हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स अब हमें इससे क्या करना है, तो अब हमें करना है क्या कि इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर करके और मिक्स करके इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लेना। बालों पे हर जगह इसे अप्लाई करना, अपने स्केल पे करना है, स्केल की भी सारी गंदगी को निकाल देगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसे ये निकाल देता है। तो बाल को हटा हटा करके आप स्केल से लेकर के आप इसकी लंबाई तक इसे पूरे अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। जितना कि आपको अगर इतना में अगर नहीं आता है तो और भी ज़्यादा आप इसके इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा सकते हो। तो बढ़ाने के बाद जितनी आपकी बाल की जो बाल के अकॉर्डिंग से ही आप इस चीज़ को ले। तो इस फ्रेंड्स इसे लगा लेना है और लगाने के बाद इसे आप आधे से एक घंटे तक अपने बालों पर रखना है और रखने के बाद इसे धो लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। मैं दूसरी बार भी बोल रही हूँ फिर से कि बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।